आंगई स्थित पार्वती बांध की भराव क्षमता अधिक होने के बाद चार गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बुधवार और गुरुवार की रात्रि को बांध के चार गेट को 0.60 मीटर तक खोला गया, जिनसे पानी की निकासी की जा रही है। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जिसका पूरा भरने पर पार्वती बांध में 120.88 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करौली जिले से लगातार पानी की आवक होने के बाद सोमवार शाम को पार्वती बांध का जलस्तर 223.35 मीटर पहुंच गया, जो अपनी भराव क्षमता से 0.06 मीटर नीचे था, जिसके बाद बांध के 10, 11, 16 और 17 नंबर चार गेट 0.60 मीटर तक खोले गए हैं, जिनसे पानी की निकासी की जा रही है। करौली जिले से लगातार बांध में पानी आ रहा है, जिसके चलते चार गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। आंगई स्थित पार्वती बांध के गेट खोले जाने के दौरान जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट घोषित किया है। निचले इलाकों में पानी की आवक को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पार्वती बांध के गेट खोले जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सेपऊ क्षेत्र के गांवों में होता है, जिसके बाद बांध का पानी पार्वती नदी के जरिए राजाखेड़ा से होकर गुजरने वाली उंटगन नदी में मिल जाता है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। पुलिस ने अवैध देशी शराब सहित युवक किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब के 52 पव्वा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि उपखंड के मुठियापुरा मोड़ के पास एक युवक अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध शराब से भरे 52 पव्वो सहित गिरफ्तार किया। आरोपी युवक हरिओम कुशवाहा पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा निवासी बड़ा गांव थाना सरमथुरा का निवासी है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कार्रवाई में HC कपिल शर्मा, बदन सिंह, अवधेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में सड़क पर चलते हुए एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में आग की लपटों को उठता देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने स्तर पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित चौकी हिनोता गाँव के पास देर रात चलते हुए ट्रक का एक्सल टूट गया, जिसके घर्षण से ट्रक के पहियों में आग लग गई। ट्रक के पहियों में आग लगने के बाद ट्रक ने आगे आग पकड़ ली। आग लगते देख ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा होता देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डीजल टैंक तक आग पहुंचने से पहले ही पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। लगता हुआ देख ट्रक चालक ने चलते ट्रक से कूदकर चीख पुकार मचा दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग के डीजल टैंक से पहुंचने से पहले ही उस पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक में आग लगने के दौरान हाईवे पर दूसरी ओर ग्रामीणों द्वारा की जा रही मशक्कत को देखने के लिए जाम लग गया। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पा लिया जाने के बाद धीरे धीरे हाईवे पर आवागमन सुचारू हो गया। आज के इस स्वार्थ के दौर में ज्यादातर लोग किसी काम को स्वार्थ में लिप्त होकर करते हैं, लेकिन धौलपुर जिले के कस्बा तसीमो में सेपाऊ का गोरक्षक दल सेपऊ क्षेत्र में लगातार गौ सेवा में समर्पित है, जो रोजाना घायल गायों का उपचार, गायों को रोड दुर्घटना से बचाने के लिए उनकी गर्दन में रेडियम का चमकीला पट्टा बांधना, जिससे रात के समय रोड पर गाय दिख सके और दुर्घटना ना हो। यह सेवा भाव इस बात को दर्शाता है कि गोरक्षक दल का समर्पण करोड़ों रुपए से बढ़कर है। ये गोरक्षक अपना कीमती समय, अपना धन, अपनी जान की परवाह न करते हुए घायल गायों और नंदी महाराज का उपचार करते हैं। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को ऐसे युवाओं का समय समय पर मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इसी के तहत कल रात रजोरा में घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर की सूचना मिलने पर गोरक्षक दल ने मौके पर पहुंचकर रात 11 बजे घायल मोर का उपचार कर उसको वन विभाग को सुपुर्द किया। वहीं आज सुबह लुधेपुरा गांव में एक गाय कुएं में गिर पड़ी। इसकी सूचना मिलने पर गोरक्षक दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाल उसका भी उपचार जारी है। चंबल प्रभाग गोरक्षक दल की सराहना करता है। इनकी टीम में डॉक्टर सुमित परमार, डॉक्टर अमित शर्मा के साथ साथ लकी परमार, प्रबल परमार, सोमनाथ तोमर, लोकेश तिवारी, जितेंद्र, आशु व सैकड़ों गोरक्षक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण। धौलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सतीश चंद द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में माननीय नालसा द्वारा जारी SOP में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव, जिला न्यायालय के PA मनोज वर्मा, प्राधिकरण के लिपिक सुरेंद्र सिंह, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मनोज सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। राजौरा कला में मेडिकल स्टोर का हुआ उद्घाटन। सेपो उपखंड के ग्राम राजौरा कला में मेडिकल स्टोर का उद्घाटन राकेश शर्मा वैद्य ने किया। राकेश वैद्य ने फीता काटने के बाद मेडिकल संचालक कल्याण सिंह राजपूत की तारीफ करते हुए कहा कि एक ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार की सुविधा होना जरूरी है, इससे क्षेत्र में स्वरोजगार भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही अब गांव वालों को भी सेपो बार बार दवा नहीं लेने जाना होगा। मौके पर मोहन प्रकाश सचिव, पदम सिंह लोधा, मनोज पवन शर्मा, दाताराम रणवीर सिंह, अनिल शर्मा, हरिओम भगेल, जनक सिंह, मुकेश राजपूत, जानकी सिंह, सुमन शर्मा, आनंद शर्मा, गजेंद्र सिंह, दीपेंद्र, सतेंद्र मोनू सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा पंचायत समिति के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण कर की दक्ष प्रशिक्षक एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा वर्णित विषय ई ग्राम स्वराज, ई पंचायत इत्यादि पर विस्तार पूर्वक समझाया गया। प्रशिक्षण में शर्मा द्वारा सदन में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सभी प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम स्वराज अभियान के तहत नए नवाचारों से अवगत होकर ग्रामीण पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना है। जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक अभियंता राजीव गौतम, लोकेश कुमार, प्रगति सागर, अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी रामवीर सिंह, रामनिवास एवं राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह सिकरवार, धीरज सिंह इत्यादि मौजूद रहे। विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने बताया कि कल ग्राम विकास अधिकारी एवं समस्त सरपंच का प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया जाएगा। तो इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य केवल ये है कि जो सरकार नई नई चीज़ें लाती है उनको उनसे हम अपडेट करें और आजकल जो डिजिटलाइजेशन हुआ है। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो पार्वती पुल के पास डिवाइडर से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार साले की मौत हो गई, वहीं जीजा घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घटना के बाद गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। बाइक सवार जीजा सूरज निवासी धौलपुर और उसका साला रामभजन पुत्र सियाराम निवासी कुम्हेरी अपनी बाइक से सब्जी लेने के लिए गए थे, जहां रास्ते में पार्वती नदी के पुल पर उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार दोनों जीजा साले को सेपऊ अस्पताल भेजा, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बाइक सवार युवक रामभजन को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे बाइक सवार सूरज को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।
हादसे के बाद दोनों बाइक सवार युवक की पहचान के लिए लोगों ने उनकी तलाशी ली तो उनकी जेब से दो शराब के क्वार्टर मिले, जिसको लेकर शराब के नशे में हादसा होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद गुरुवार को अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुट गई है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। बाड़ी के निकट रजापुर गांव में एक महिला घर पर मोबाइल को चार्जिंग में लगाते समय बिजली करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद घायल महिला को परिजन बाड़ी के सामान्य अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार उपखंड के रजापुरा गाँव निवासी विद्या पत्नी बाबूलाल कुशवाहा आज सुबह अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर घर आई थी। चारे को अपने पशु बाड़े में रखकर घर आकर मोबाइल को चार्जिंग में लगा रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली करंट का शिकार हो गई। महिला की चीख सुनकर परिजनों को जानकारी हुई, जिसके बाद बिजली लाइन को बंद कर जैसे तैसे महिला को लाइन से अलग किया। इस दौरान महिला मौके पर बेहोश हो गई। परिजनों ने बेहोश हुई महिला को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौजूद चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ ने उसे उपचार दिया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में चिकित्सक द्वारा अचेत महिला विद्या को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, 3 घायल। सरमथुरा उपखंड के झीरी रोड पर खेमरी मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिससे बाइक सवार 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की मदद से स्टॉप विजय सिंह मीणा एवं सौरभ मीणा ने उपचार के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल राधेश्याम पुत्र राजेंद्र जाति कुशवाहा, विजय सिंह पुत्र रतिराम कुशवाहा एवं सौदान पुत्र द्वारिका निवासी वरईपुरा थाना सरमथुरा घायल हो गए। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी व्यापार मंडल किराना एवं खांडसारी संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ आयोजन। जिले के अचलेश्वर महादेव मंदिर सागरपाड़ा धौलपुर में संपन्न हुआ वार्षिक अधिवेशन गत वर्ष की कार्यकारिणी द्वारा गत वर्ष का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। आय व्यय की पुष्टि के बाद गत वर्ष के कार्यकाल पर डाला गया प्रकाश, निवर्तमान अध्यक्ष अमित मंगल द्वारा की गई अपनी कार्यकारिणी भंग की घोषणा, सर्व समिति से नवीन कार्यकारिणी चयन के लिए रामगोपाल मंगल को बनाया गया चुनाव अधिकारी। मीडिया प्रभारी अशोक गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापार मंडल के नवीन अध्यक्ष संजय कुमार गोयल सर्व समिति से चुने गए हैं। इसी क्रम में संरक्षक रामनिवास गोयल, खेड़ा वाले उपाध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद, महामंत्री योगेश बंसल, मंत्री अमित बाग, थरवाले कोषाध्यक्ष अजय गर्ग, संगठन मंत्री निरंजन सोहावाले, मीडिया प्रभारी अशोक कुमार गोयल, सूचना मंत्री मनोज सोहावाले, गोपाल गर्ग, सुमित लिलोटी वाले, देवेंद्र बंसल, रामनिवास खड़गपुर वाले, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गोपाल गर्ग, सोनू मोदी, राकेश बसई वाले, राजेंद्र गर्ग, अमित मंगल, मुकेश कुरगमा वाले, दुर्गा प्रसाद गर्ग, बंटू सनोरा वालों को बनाया गया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी! अब आपके शहर धौलपुर में वोल्टो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तलावी मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट:
रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी भसेड़ी सरमथुरा सेतौ राजाखेड़ा मनिया मरीना बसई नवाब कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया आओ। यो बताओ कब की खाद बीज कहाँ ते ले यार। अरे यार जब अपनों दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कितने अंत ते क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी है। राजा खेड़ा रोड पे ते जो तगावली मोड़ होते हुए नहीं वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार पर दुकान तो नहीं है यार भैया। जी बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पर लगा हुआ है। तो म्यो कहो तो जी है कि बिने दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया तो अब हम वहीं लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पर ही चलेंगे। ठीक है भैया बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार राजाखेड़ा रोड तगावली मोड़ धौलपुर सतीश दुबे मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे।